नहीं, राम का कोई ये सेवक होगा। अंगद जी को बड़ा खराब लगा, इनको बोलने का ज्ञान नहीं है भाई, उसका नाम ही विषमुख है। तो जब विषमुख है तो बोलने का ज्ञान नहीं। ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पढ़े लिखे लोगों को भी बोलना नहीं आता। एक बार हम लोग इधर विदिशा जिला है भोपाल के पास, वहां कथा कहने गए। दोपहर का समय था, एक जगह निमंत्रण था हम लोगों का। तो एक लड़का आया 17-18 साल का, पढ़ा लिखा था, आकर के बोला महाराज चलो, ध्यान करना बात पर, यानी पढ़े लिखे लोगों की भाषा। 17-18 साल का लड़का पढ़ा लिखा तो है, बोले महाराज चलो। हमने की कहा, बोले अम्मा बुला रही। हमने की अम्मा बुला रही मतलब? हाँ बोले अम्मा बुला रही, खा भी को। ये भाषा है एमपी की, मतलब इसका अर्थ हुआ कि अम्मा खाने के लिए बुला रही है। तो बोले अम्मा बुला रही खाने को। हमने हाथ जोड़े उस लड़के की, मैंने कहा बेटा एक काम करो, अम्मा से बोल देना वो किसी दूसरे को खा ले, हमें माफ कर दे। बोले मतलब महाराज? हम कि तुम कह रहे चलो अम्मा बुला रही खा भी, तो कहा अम्मा के पास हम जाएंगे तो अम्मा हमें खा लेंगी क्या? अरे बोले महाराज आप समझ नहीं रहे। हमने कहा तो समझाओ, ये बोलने का ढंग नहीं है। बोले नहीं अम्मा बुला रही खा भी। अरे सीधा कह देता, पढ़ा लिखा है महाराज चलो भोजन बन गए, भोजन कर लो। अरे भोजन नहीं कह सकता है तो आम भाषा में बोले तो महाराज खाना बन गया, चलो खाना खा लो, इतना तो चलेगा। ये कैसे पढ़े लिखे हो तुम्हें यही ज्ञान नहीं है? अम्मा बुला रही खा भी। तो पहले हमें बोलना अगर जीवन में आ गया। संत तो यहां तक कहते हैं वशीकरण कोई मंत्र नहीं होता। तो जिनको अगर ये भावना भरी हो मन के अंदर, इस पूरे समाज में इतने हमारे भाई बहन बैठे हैं, किसी को कभी कोई डर लगता हो कोई वशीकरण मंत्र है, ये गलत है। वशीकरण कोई मंत्र नहीं, सब झूठी बात है, पाखंड है, अंधविश्वास। ना कोई किसी को कभी वश में कर सकता है, ना वशीकरण कोई मंत्र है। हम कहते हैं क्यों? वशीकरण अगर मंत्र होता तो जिसके पास वशीकरण मंत्र अगर होता तो सारे संसार के लोगों को अपने वश में कर लेता और सारे संसार वालों से कहता कि चलो गोबर डालो, तो सब लोग गोबर डालते क्योंकि उसके वश में। ये सब फालतू की बात है। ये तो वो हैं कि जो कुछ ऐसे पाखंडी होते हैं और डर आकर के धमका करके कमजोर दिल वालों को, जिनको ज्ञान नहीं है सत्संग नहीं किया है, वो बेचारे डर जाते हैं। अरे वशीकरण कोई मंत्र है ना? वशीकरण कोई मंत्र नहीं होता, लेकिन एक मंत्र है। वशीकरण भी एक मंत्र है, वो कोई भी सिद्ध कर सकता है उसको, वो हम बताएंगे आप। लेकिन वह मंत्र क्या है? बहुत पहले लिखा था किसी संत ने, वशीकरण एक मंत्र है जो को जाने बोल। बोलना ही एक वशीकरण मंत्र है। वशीकरण एक मंत्र है जो को जाने बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। इतनी प्रेम की भाषा बोलो कि लोग सुनकर के तुम्हारे वश में हो जाएं। बस यही तो वशीकरण है। अच्छा आप लोग इन कथाओं को सुनकर के, विद्वानों को सुनकर के क्यों कहा करते हो भैया वो महाराज जी बहुत अच्छी कथा कह रहे थे? अच्छा कथा कह रहे थे, ये बोलना ही तो है। बड़े प्रेम से आप लोगों से बोलते हैं, आपको लगता है बहुत अच्छे बोलते हैं। तो ये भाषा यानी अपनी भाषा शैली को बदल दें। बोलना जिनको आ गया है किसी को भी वश में कर सकते, यही वश में। आखिर जैसे ही उस विषमुख ने अंगद जी महाराज को देख करके कहा, ये उन राम का कोई सेवक होगा जिनके पत्नी का हरण हमारे पिताजी कर लिया है। अब अंगद जी महाराज सिपाही है, संत नहीं है कि सुन ले मैं बात। और जैसे ही अंगद जी पास में पहुंचे, बोले बिल्कुल ठीक कहा विषमुख तुमने, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं, मैं उन्हीं राम का सेवक हूं जिनके छोटे भैया ने तुम्हारी बुआ की नाक कान काटे थे, लक्ष्मण जी ने। अच्छा ये कैसी बातें हो रही, लड़ाई की बातें हैं कि नहीं? रावण का बेटा कह रहा है ये उनका सेवक है जिनकी ये राम की पत्नी का हरण हमारे पिताजी कर ले आए। अंगद जी महाराज क्या कह रहे हैं? हाँ मैं उन्हीं का सेवक हूँ जिनके छोटे भैया ने तुम्हारे बुआ के नाक कान काटे थे। लड़ाई होगी कि नहीं होगी? और जैसे ही बात हुई तो जो हनुमान जी ने बताया था कि लंका के लोगों को बात करना नहीं आता, वो बात कम करते हैं लात ज्यादा चलाते हैं। विषमुख और तो कुछ नहीं बोला, अंगद जी की तरफ दौड़ करके उसने अंगद जी को मारने के लिए लात उठाई। वो स्वामी जी ने लिखा तेही अंगद कहा अरे लात उठाई। उसने अंगद जी को मारने के लिए जैसी लात उठाई, अंगद जी समझ गए कि अगर हम थोड़ा भी
चूक गए तो ये लात हमको मार देगा, तो हमें और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो अंगद जी को लात नहीं मार पाई, उठाई है। अंगद जी ने क्या किया, जिस पैर को जिस लात को उसने उठाया था, अंगद जी ने वही पैर पकड़ा, दो तीन चक्कर लगाया, ऊपर जमीन पर पटक दिया, उसका राम नाम सत्य हो गया। ये है अंगद जी महाराज। और जैसे ही वह मरा, लीडर मारा गया, गोस्वामी जी ने लिख दिया तेही अंगद कहा अरे लात उठाई सुगह पद पटे के वो भूमि भमाई। और जैसे ही विश्वमुख मरा, साथ में जो खेल रहे थे उसके साथ ही भाग खड़े हुए और नगर में प्रवेश किया। लंका नगर में भाग रहे हैं लोग, हल्ला मचा हुआ है। लेकिन पूछते हैं लोग, काहे भैया काहे भाग रहे हो? तो बेचारे वो भागने वाले पता नहीं रहे, एक एक सन मरम न कही, एक दूसरे को बता नहीं रहे क्या हो गया है, क्योंकि विश्वमुख मारा गया। अंगद जी महाराज प्रवेश कर गए लंका में। जैसे पहुंचे एक चौराहे पर, अब लंका छोटा नगर तो था नहीं, जाने कितने रास्ते होंगे, कितने चौराहे होंगे, अब पूछना पड़ेगा कि रावण का दरबार कहाँ है। लेकिन ये विशेषता है रामायण की कि अंगद जी महाराज को ये नहीं पूछना पड़ा कि रावण का दरबार कहाँ है, भैया रास्ता बताओ। अच्छा अपने आप कैसे पहुंच गए, इसके पहले कभी गए नहीं। कहा चौराहे पे जब अंगद जी पहुंचते थे तो चौराहे पे जो ट्रैफिक पुलिस वाला सिपाही खड़ा रहता ना, दिशा बताता है लोगों, वो खड़ा था। वो अंगद जी महाराज जैसे ही पहुंचे, वो अंगद जी ने उसकी तरफ एक नजर उठा के देख दिया, तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा, बोले जही बिलो कैसोई जाय सुखाई, यही बिलो कैसोई जाय सुखाई, बिन पूछे मग दे बताई, ये है विशेषता डर की। अंगद जी महाराज के इतना भय हो गया लंका के लोगों में, बिन पूछे मग दे बताई, जय बिलोक सोई जाए सुखाई। जैसे उस ट्रैफिक पुलिस ने हनुमान अंगद जी को देखा तो बेचारा खड़े खड़े सूख गया और हाथ जोड़ करके बोला महाराज सीधे चले जाओ, रावण के दरबार के लिए यही रास्ता गया है, थोड़ी आगे मुड़ जाना, बस सीधे चले जाना, दरबार पहुंच जाओ, बिन पूछे मग दे बताई। ये है भय की सृष्टि। अंगद जी महाराज गए, अच्छा हल्ला क्यों हो रहा था लंका में और डर क्यों रहे थे लोग? हनुमान जी महाराज जब लंका जला के आए, तब से लंका के लोग इतने भयभीत हो गए थे। और एक विशेषता है, हनुमान जी का नाम लंका में कोई नहीं जानता था, सिर्फ इतना जानते थे एक बंदर आया था, यहां तक कि रावण भी नहीं जानता है ऐसा लिखा है रामायण, सिर्फ इतना जानते हैं कि एक बंदर आया था। और हनुमान जी ने जो करिश्मा करके दिखाया, लंका को जलाकर राख कर दिया, तो लंका के लोग इतना डरे हुए थे कि जैसे ही अंगद जी पहुंचे तो लंका के लोगों ने समझ नहीं पाया कि आखिर ये बंदर है कौन। और क्या सोच रहे थे, भयो कोलाहल अरे नगर मझारी, घर घर चर्चा होने लगी, बोले फिर से कुछ गड़बड़ होने वाला है। बोले क्यों? बोले भयो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि जहि लंका जारी, वो कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि जहि लंका जारी, सारे नगर में हल्ला हो गया, आवा कपि जहि लंका जारी, वो बंदर फिर से आ गया। तो डरेंगे कि नहीं लोग? बेचारे डर के मारे सोच रहे हैं भगवान जाने क्या होने वाला है। अंगद जी महाराज दरबार में पहुंचे और जैसे ही दरबार में अंगद जी महाराज पहुंचे, वहां पर दरबार में जितने भी राक्षस बैठे थे, अंगद जी महाराज को देख करके सब खड़े हुए
और हैं कौन? राक्षस, बड़ी बड़ी बलवान रावण के सैनिक है सब। लेकिन अंगद जी को देख करके खड़े क्यों हो गए? बोले डर के मारे, कितना डरे हुए थे। और जैसे ही सब राक्षस खड़े हो गए, रावण को बड़ा गुस्सा आया। रावण ने कहा, मूर्खो, हमारा खाते हो और कितना खाते हो, कितने बड़े बड़े शरीर वाले बलवान हो तुम। एक बंदर तुम्हारे दरबार में आ गया तो उसको देख करके ऐसे खड़े हो गए जैसे प्रधानमंत्री आया हो। तो बेचारे हाथ जोड़ करके कहने लगे रावण से। राक्षसों ने कहा, महाराज भय बहुत खराब चीज है, यसी इस बंदर को देखा तो हमें वह याद आ गई जब पहले वाला बंदर आया था कि लंका को जला के राख कर दिया था उसने, और बाटका में किस प्रकार से राक्षसों को मारा था। तो महाराज हमने समझा ये फिर से वही कांड ना शुरू हो जावे तो हम जा नहीं पाए, कितना डर। लिखा है गोस्वामी जी ने, उठे सवासद, अरे कपि कहा देखी, रावण और भाकोद विषे की। और जैसे ही महाराज श्री अंगद जी पहुंचे और अंगद जी ने बड़ी जोर से एक जयकारा लगाया, जय श्री राम। आप लोग भी बोल दो, का रावण की पार्टी के हो, सब लोग राम की पार्टी के हैं। अंगद जी महाराज ने जैसे ही बोला जय श्री राम जय, अब आप लगा कि राम की पार्टी के हैं, अंगद जी की पार्टी के हैं। हाँ, तो सब लोग जयकारा भी लगा बैठे। रावण को कितना गुस्सा आया, आखिर कुछ नहीं। बाद में रावण ने पर्चे पूछना शुरू किया। अब देखें ये रावण पढ़ा लिखा है और अंगद जी महाराज का पर्चे कैसे पूछ रहा है। रावण कहने लगा, कह लंकेश, अरे कवन ते बंदर, कह लंकेश कवन ते बंदर। तेमे की भाषा शुरू हो गई।